नमस्कार, रुद्रनी समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मोदी मंत्रिमंडल में 19 नए चेहरे शामिल, जावड़ेकर बने कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 19 नए चेहरों को शामिल किया है। इसमें कुछ दलित और ओबीसी नेताओं को शामिल किया गया है और साथ ही अगले साल उत्तर प्रदेश और गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों को तवज्जो दी गई है। वहीं 5 मंत्रियों को हटा दिया गया है, जबकि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पदोन्नत करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, नरेंद्र मोदी, उनकी मंत्रिपरिषद के सहयोगी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, सहयोगी दलों के नेताओं समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर कांग्रेस का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। 5 मंत्री को हटाए जाने के बाद मंत्रिपरिषद विस्तार के साथ कुल मंत्रियों की संख्या 78 हो गई। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कुल 82 मंत्री हो सकते हैं। मंत्री पद की शपथ लेने साइकिल से राष्ट्रपति भवन पहुंचे 2 मंत्री। राजस्थान से लोकसभा सदस्य अर्जुन राम मेघवाल और गुजरात से सांसद मनसुख भाई मांडविया केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने के लिए मंगलवार को साइकिल से राष्ट्रपति भवन पहुंचे। दोनों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन के बाहर अपनी साइकिल खड़ी करके दोनों सांसद मंत्री पद की शपथ लेने के लिए दरबार हाल में गए। ये दोनों सांसद संसद सत्रों के दौरान कई बार साइकिल से संसद भवन आते रहे और लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। केवल एक पार्टी ने देश की प्रगति को रोका, नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अधिकतर राजनीतिक दल देश हित में सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टी देश पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की चिंता किए बगैर हर मुद्दे पर बाधा डालने का रुख अपनाए हुए है। संसद के आगामी मानसून सत्र के बारे में मोदी ने कहा कि विधायी एजेंडे के संबंध में अधिकतर दल देश हित में सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि केवल एक पार्टी को छोड़कर विपक्ष देश हित में रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की कक्षा में नासा का अंतरिक्षयान जूनो। नासा के मानव रहित अंतरिक्षयान जूनो ने बृहस्पति की कक्षा में घूमना शुरू कर दिया है। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की उत्पत्ति का रहस्य सुलझाने के लिए शुरू किए गए $1.1 अरब के इस मिशन की यह प्रमुख उपलब्धि है। नासा कैलिफोर्निया स्थित जेट प्रपल्स लेबोरेटरी में अभियान नियंत्रण कक्ष से जुड़े एक कमेंटेटर ने कहा कि बृहस्पति पर स्वागत है। बृहस्पति की लक्षित कक्षा में सौर वेधशाला के सफलतापूर्वक प्रवेश कर जाने पर इस कमरे में लोगों की उल्लास भरी आवाजें गूंजने लगी। इस यान ने रात 11:53 पर बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश किया। स्वीडन में संगीत महोत्सव के दौरान यौन उत्पीड़न की 27 शिकायतें। स्वीडन पुलिस का कहना है कि उसे सप्ताहांत में दक्षिणी स्वीडन में एक संगीत महोत्सव के दौरान लड़कियों और युवा महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की 27 शिकायतें मिली। कार स्टेट पुलिस अधिकारी इवा हॉकफेल्ड ने कहा कि वो मध्य शहर में एक कंसर्ट में शुक्रवार और शनिवार को हुए कथित हमले के सिलसिले में 7 पुरुष अपराधियों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन संदिग्धों के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया। हॉकफेल्ड ने कहा कि हमलों में कथित तौर पर जबरदस्ती छूने और अन्य यौन कदाचार मामले शामिल हैं। बलात्कार की किसी भी घटना की शिकायत नहीं मिली है। यूट्यूब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।